महीने का आप कम से कम 80-90 हज़ार आराम से कमाइएगा, इतना ज़्यादा फायदा है इसमें। इसमें लागत बहुत ही कम लागत रहता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माई न्यू अनदर वीडियो। और दोस्तों, लोग अभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कमेंट में जवाब पूछ रहे हैं कि सर और कोई बिजनेस है तो बताइए। तो आप लोगों के लिए आए हैं दोस्तों और एक बिजनेस, फास्ट फूड का बिजनेस, और बहुत ही ज़्यादा चलता है अभी मार्केट में। और अभी का टाइम में जब से लॉकडाउन लगा है, अभी आदमी को बाहर का खाना, घर का खाना खा खा के आदमी बोर हो चुका है, और अभी बाहर का खाना ज़्यादातर आदमी पसंद कर रहा है। अब देखते होंगे कहीं मार्केट में कुछ सामान लेने जाए, फर्स्ट में खाना पसंद करते हैं। फास्ट फूड में बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो आदमी को खाने में लालच भी लगता है। आदमी का मन में यह सवाल जरूर होता है कि कुछ खाना है, जैसे मोमो हो गया, चाउमीन हो गया, एग रोल हो गया, बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड में आते हैं। आजकल लोग घर का खाना छोड़ के ज़्यादातर बाहर का ही खाना पसंद करते हैं दोस्तों। तो लोग, आप ई रिक्शा को ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह मैं वीडियो में फ़ोटो में दिखा सकता हूँ आपको, आप ई रिक्शा पे मॉडिफाई कर सकते हैं। आप ऐसा, आपको दुकान में, आपको आप जाइएगा कहीं पर ई रिक्शा बिक्री होता है, जहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है ई रिक्शा का, आपके पास अपना खुद का ई रिक्शा है तो आप ले जाइए वहाँ पर। होल्डिंग दुकान में आप डिजाइनिंग बोलिए, वो उस डिज़ाइन का बना देगा, उसे उसका फ्रेम बना देगा। अगर आप बनवा सकते तो बना सकते हैं। आप, आपके पास ई रिक्शा होगा तो आप ले जाइए किसी भी होल्डिंग दुकान में, वहाँ पर आप जाइए उसका सामान खरीद लीजिए, उस टाइप का बना लीजिए। आप ई रिक्शा में अभी ज़्यादातर आप बिजनेस ही कर सकते, बहुत ही फायदा है। क्या है, मार्केट में अभी इतना अवेलेबल ई रिक्शा हो चुका है, आप पैसेंजर चला के उतना कमा नहीं सकते हैं दोस्तों। आप बिजनेस शुरू कीजिए, आप बिजनेस में बहुत माहिर हो सकते हैं। आप जानते होंगे आपसे ज़्यादा कमाने वाला जो ठेला, रोड साइड में ठेला में अगर कोई चीज़ बेचता है, जैसे फास्ट फूड हो गया, गुपचुप हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, चॉप सिंगड़ा हो गया, बहुत सारे ऐसे ठेला वाला ज़्यादा कमाता है आपसे। आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस में बहुत सारे फायदे हैं। एक एक दिन में लोग 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये इनकम करता है। आप ऐसे बिजनेस, दूसरा का काम करके कितना मिलेगा, 400-500 हज़ार, उससे ज़्यादा तो आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, बिजनेस पे आगे बढ़ें, बिजनेस पे फोकस दें। आप बिजनेस के लिए आपका चलता फिरता दुकान होगा, आप जहाँ भी कहीं भी एक ऐसा प्लेस खोजिए जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, जैसे मार्केट हो गया, कहीं मेला लगा, वहाँ पर ले जा सकते हैं अपना स्टोर को। आपका जब चलता फिरता दुकान होगा, आपका गाड़ी में ही दुकान रहेगा, आप माल लोड कीजिए उसके बाद लेके जाइए वहाँ पर। इतना सेल है दोस्तों फास्ट फूड बिजनेस में। ऐसा आजकल लड़कियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, लड़के भी ज़्यादा पसंद करते हैं फास्ट फूड बिजनेस। अब फास्ट फूड में क्या आता है, जैसे मोमो हो गया, आप मोमो का बेकरी लगा सकते हैं, चाहे एक रोल, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, कुछ भी बेच सकते हैं फास्ट फूड में। आप ये बिजनेस को कीजिए दोस्तों, महीने का आप कम से कम 80-90 हज़ार आराम से कमाइएगा, इतना ज़्यादा फायदा है इसमें। इसमें लागत बहुत ही कम लागत रहता है। एक ठो अंडा रहता है, एक ठो वो मैदा का रोटी रहता है, उसे रोल करके बना के एक रोल बना देते हैं। एक रोल 40-50 रुपये के करीब बिक्री होता है। और उसमें खर्चा क्या, एक अंडा 5 रुपये का, एक मैदा का रोटी उसमें 2 रुपया, 7 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, और गैस लगा के 10 रुपया, टोटल आपका 10 रुपया इन्वेस्टमेंट रहेगा एक चीज़ में, और 50 रुपया का एक बिक्री होता है। सोच सकते कितना बिजनेस में कितना फ़ायदा है। आप जरूर बिजनेस आजमाएं दोस्तों, अपने लाइफ में बिजनेस आजमाएं, बिजनेस में बहुत सारे फायदे हैं। आपके पास ई रिक्शा नहीं है तो मैं दूंगा आपको सेकेंड हैंड ई रिक्शा। आप नया लेने जाइएगा तो आपको बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, जैसे मोटिफिकेशन किया हुआ मिलता है अभी मार्केट में, बहुत सारे मोटिफिकेशन किया हुआ रहता है। फास्ट फूड का लीजिए, चाहे आप कुछ चीज़ का आप अगर मॉडिफाई करते हैं तो वो बना बनाया हुआ रहता है, पर अगर आप नहीं बना सकते हैं, आप नया नहीं ले सकते हैं, तो आप अगर बनवाने में मौजूद रहते हैं तो आप बनवा सकते हैं, सेकंड हैंड ले सकते हैं, चाहे अपना खुद का ई रिक्शा हो तो उसमें भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं सकते तो आप नया खरीद सकते हैं। और आपके पास ई रिक्शा नहीं है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको सेकेंड हैंड 40-50 के अंदर आपको एक ई रिक्शा दिला दूँगा, आप उसे मॉडिफाई करवा सकते हैं। फास्ट फूड में बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, आप इसे यूज कीजिए, महीने का 80-90 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं चुटकी में। और आपका खुद का बिजनेस हो जाएगा, आपका टेंशन नहीं रहेगा। ई रिक्शे का लाइफ कितना रहता है, 2-3 साल, आप उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर दीजिए। बिजनेस में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा, लाइफ बढ़ जाएगा। आप जैसे आपका वो बिजनेस चल गया, तो ये तो चलना तो नाजिब है, आपको चलना पड़ेगा, ये बिजनेस चलना है ही है। आप मुझे कागज़ में लिखवा लीजिए,
मैं मार्केट में जाता हूँ, देखता हूँ बहुत सारे, आपको कहीं जाना आने का दरकार नहीं। आप एक जगह स्टोर लगा लीजिए, वहाँ पर आप रोड का साइड लगाइए, कहीं हाईवे का साइड लगाइए, कहीं भी लगाइए, आदमी आपके पास खुद आएगा, आपके पास जाना नहीं पड़ेगा। आप पैसेंजर चलिएगा, दूसरा के पास पूछिएगा है जाना है जाना है, उससे नहीं करना है दोस्तों। अपना एक ब्रांड बना लीजिए, जैसे MBA चाय वाला, अपना एक ब्रांड बना लिया, BTech पानी पूरी वाला, वो भी एक ठेला में ही ले जाता था, आज देखिएगा तो वो अपना गाड़ी में स्टॉल में ले जाता है, महिंद्रा धार में आप ले जाता है अपना स्टॉल को। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।